गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाढ़ के हालातों के बीच कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस ऐसा दिखा रही है जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बाढ़ पीड़ित इलाकों में सेवा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आराम कर रहा है। मिश्रा ने कहा, जनता कांग्रेस को लेकर सब कुछ जानती है। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस के आरोपों पर कहा कि कांग्रेस के बारे में जनता अब सब जानती है। कांग्रेस ऐसा शो कर रही है जैसे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह बाढ़ पीड़ित इलाकों में सेवा कर रहे हैं और मुख्यमंत्री और उनका मंत्रिमंडल आराम कर रहा है। अरुण यादव और दिग्विजय सिंह द्वारा सड़कों पर गड्ढों की फोटो डालने पर मिश्रा ने कहा, दिग्विजय सिंह को खुद का कार्यकाल याद आ गया जब सड़कों में गड्ढे नहीं गड्ढों में सड़कें होती थी। हाँ, उनको लगता होगा कि हम और मुख्यमंत्री जी आराम कर रहे हैं और कमलनाथ जी दिग्विजय जी 0 पॉइंट पे चल रहे हैं, ऐसे ही लग रहा होगा। इसलिए उनको लग रहा है कि बैठ के चल रही हैं और जमीन पे बोलो हो गए। आप भी देख रहे होंगे उनके फोटो पानी में डूबते हुए के, उनको अपनी याद दिलाई होगी दरअसल दिग्विजय से। बहुत दिनों से लोग उनको असली नाम से बुला नहीं रहे थे, उनने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, भूल जाओगे। ये वही दिग्विजय सिंह है जिनके समय में सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढों की सड़क थी, पता ही नहीं चलता था कि गड्ढम गड्ढा है। वो गड्ढों में सड़क ढूंढ रहे हैं, जो कहते थे कि चुनाव विकास से नहीं जीते जाते, मैनेजमेंट से जीते जाते हैं, ये कमेंट्स वो कर रहे हैं। डेमोक्रेसी की खूबसूरती तो देखिए आप, दिग्विजय सिंह सड़कों की बात कर रहे हैं, कमलनाथ 2 लाख का धोखा दे के किसानों की बात कर रहे हैं, 4,000 का धोखा दे के नौजवानों की बात कर रहे हैं। गजब है कांग्रेस भी और अजब लोग हैं। सरकार के प्रवक्ता मिश्रा ने बताया, प्रदेश में कोरोना के 18 नए मरीज मिले हैं और 17 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। प्रदेश में नए गुंडा एक्ट को लेकर उन्होंने कहा, अभी केवल इस पर विचार चल रहा है, कोई फैसला नहीं हुआ है। कमलनाथ द्वारा मूंग खरीदी का कोटा बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा, हाथ में मूंग लेकर चले जाओ तो कमलनाथ उसे पहचान तक नहीं पाएंगे, वे केवल राजनीति के लिए बयानबाजी कर रहे हैं। अगर मूंग उनको हाथ में लेके चले जाओ तो कोई मूंग को ही नहीं पहचान पाए। मैं सच बता रहा हूँ, हंसने को नहीं कह रहा हूँ आपको, लेकिन मैंने कहा कि लोकतंत्र की खूबसूरती यही तो है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।